आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे ही आप अपने बालों को ब्लैक डाई कैसे कर सकते हैं। पहले के टाइम पे हमारे जो दादी नानी मम्मी लोग थे वो इसी को ही यूज़ करते थे, तब उस समय इतना केमिकल भी नहीं रहता था या कलर ऑप्शन नहीं रहता था। आजकल तो मार्केट में इतने सारे कलर ऑप्शन हैं, बट कहीं ना कहीं उन सब में केमिकल रहता है और उन सब का ही साइड इफ़ेक्ट होता है। बाल ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं और वाइट और ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको जो रेमेडीज़ बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपको लगेगा। मेहंदी तो हर कोई यूज़ करता है, बट मेहंदी लगाने के बाद बाल अगर वाइट हो तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन, इट्स नॉट एक्चुअली ब्राउन, वो कुछ रेडिश ऑरेंजिस ब्राउनिश टाइप के मिक्स, इन सब का मिक्स होता है, तो वो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आता। तो इन सब से बचने के लिए आप जो मेहंदी होता है वो तो आप ज़रूर से लीजिए। जो मेहंदी के पत्ते होते हैं वो बहुत ही प्योर रहेगा अगर आपको मेहंदी के पत्ते मिल जाते हैं तो, और अगर नहीं होता है तो आप कोई भी हर्बल मेहंदी लीजिए, हर्बल मेहंदी पाउडर लीजिए। उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ मिलाना है, बहुत सारे लोग ने नाम सुना होगा इंडिगो पाउडर का, जिसे नील पत्ती भी बोला जाता है। इंडिगो पाउडर आप ले लीजिए और मेहंदी ले लीजिए, आप इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और जिस तरीके से आप मेहंदी को अप्लाई करती हैं इसे भी आप अप्लाई कर लीजिए। 2-3 घंटे के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो, जो पर्सनली मैं करती हूँ, मैं तो बालों को धोने के बाद शैम्पू नहीं लगाती कभी, उसको एक दिन पूरा आप रखिए और रात में आप उसमें अच्छे से ऑयल कर लीजिए। अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप 1-2 दिन तक उस ऑयल को लगे रहने दीजिए और उसके बाद आप अपना हेयर वॉश करिए। धीरे धीरे आप इस चीज़ को कंटिन्यू करिए, आपके बाल काले होंगे और आपको वो कलर भी दिखेगा। और साथ ही साथ मेहंदी के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो ठंडक एहसास दिलाती है, कंडीशनिंग करती है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे थोड़े घंटे के बाद, जब आप उस मेहंदी को लगाने के बाद वॉश कर लेते हैं थोड़े घंटे के बाद, आपके बाल आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखने लगेगा। तो इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते रहिए और आप देखिएगा कि आपके बाल की ग्रोथ अच्छी होगी और ब्लैक आपके बाल नेचुरली होने लगेंगे। तो एक ये टिप्स है फ्रेंड्स इस वीक के लिए, तो आप इसे ज़रूर से करिएगा और आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगा और ज़रूर से ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे ही आप अपने बालों को ब्लैक डाई कैसे कर सकते हैं। पहले के टाइम पे हमारे जो दादी नानी मम्मी लोग थे वो इसी को ही यूज़ करते थे, तब उस समय इतना केमिकल भी नहीं रहता था या कलर ऑप्शन नहीं रहता था। आजकल तो मार्केट में इतने सारे कलर ऑप्शन हैं, बट कहीं ना कहीं उन सब में केमिकल रहता है और उन सब का ही साइड इफ़ेक्ट होता है। बाल ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं और वाइट और ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको जो रेमेडीज़ बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपको लगेगा। मेहंदी तो हर कोई यूज़ करता है, बट मेहंदी लगाने के बाद बाल अगर वाइट हो तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन, इट्स नॉट एक्चुअली ब्राउन, वो कुछ रेडिश ऑरेंजिस ब्राउनिश टाइप के मिक्स, इन सब का मिक्स होता है, तो वो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आता। तो इन सब से बचने के लिए आप जो मेहंदी होता है वो तो आप ज़रूर से लीजिए। जो मेहंदी के पत्ते होते हैं वो बहुत ही प्योर रहेगा अगर आपको मेहंदी के पत्ते मिल जाते हैं तो, और अगर नहीं होता है तो आप कोई भी हर्बल मेहंदी लीजिए, हर्बल मेहंदी पाउडर लीजिए। उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ मिलाना है, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा इंडिगो पाउडर का, जिसे नील पत्ती भी बोला जाता है। इंडिगो पाउडर आप ले लीजिए और मेहंदी ले लीजिए, आप इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और जिस तरीके से आप मेहंदी को अप्लाई करती हैं इसे भी आप अप्लाई कर लीजिए। 2-3 घंटे के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो, जो पर्सनली मैं करती हूँ, मैं तो बालों को धोने के बाद शैम्पू नहीं लगाती कभी, उसको एक दिन पूरा आप रखिए और रात में आप उसमें अच्छे से ऑयल कर लीजिए। अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप 1-2 दिन तक उस ऑयल को लगे रहने दीजिए और उसके बाद आप अपना हेयर वॉश करिए। धीरे धीरे आप इस चीज़ को कंटिन्यू करिए, आपके बाल काले होंगे और आपको वो कलर भी दिखेगा। और साथ ही साथ मेहंदी के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो ठंडक एहसास दिलाती है, कंडीशनिंग करती है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे थोड़े घंटे के बाद, जब आप उस मेहंदी को लगाने के बाद वॉश कर लेते हैं थोड़े घंटे के बाद, आपके बाल आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखने लगेगा। तो इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते रहिए और आप देखिएगा कि आपके बाल की ग्रोथ अच्छी होगी और ब्लैक आपके बाल नेचुरली होने लगेंगे। तो एक ये टिप्स है फ्रेंड्स इस वीक के लिए, उसे यूज़ करिएगा और इसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।
और अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, स्टे एट होम का समय चल रहा है, तो हम अच्छा है कि हम ज़्यादा से कम मेकअप को यूज़ करें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मेकअप में या जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें केमिकल तो रहते ही है। तो हमारे पास एक अच्छा टाइम है कि हम अपने आप को केमिकल से दूर रखें और इन नेचुरल तरीके से अपने आप को ग्रूम कर सकें। इस टाइम को यूज़ करिए पॉजिटिव चीज़ों में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। बाय फ्रेंड्स।